कांग्रेस को लेकर हार्दिक पटेल नरम, लेकिन आरक्षण पर सोचने के लिए 7 नवंबर तक की मोहलत दी। गुजरात के विकास की कहानी आंकड़ों की जुबानी, गो न्यूज की खास रिपोर्ट। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने शक्ति स्थल जाकर श्रद्धांजलि दी। देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल की 142वीं जयंती पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी याद किया। नोटबंदी के एक साल पूरा होने पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। कांग्रेस 8 नवंबर को रात 8 बजे देश भर में कैंडल लाइट मार्च निकालेगी। चेन्नई में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी, स्कूल कॉलेज बंद। पटाखों की बिक्री पर बैन ने सुधारी दिल्ली की आबोहवा, प्रदूषण में 40% तक की गिरावट। एनजीटी के आदेश के बाद पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर को खाली कराया, अब विरोध प्रदर्शन का नया ठिकाना रामलीला मैदान। और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे,